business leaves or die up. Let's sit quietly. Do some meditation. Better Supta. Achha, tomorrow planning for samosa party. So tell me, Jain wala samosa, Jain, pure Jain wala kon kon hai? Please enjoy properly ekdam. ऊपर रखो सैटरडे कौन से ठीक है चलो ऐसा जो प्योर जैन ना जैन समोसा भी इतना जैन समोसा क्या है तो जैसा अन्ना से तुम लोग लेके जो है ना कल नहीं होगा सॉरी क्योंकि कल नहीं बिकॉज कल नहीं हॉलीडे नहीं एक्चुअली कल भी कर तो सकते हैं प्रॉमिस तो 10 बजे के बाद आता है वो हाँ हाँ ठीक है चलिए आफ्टर आफ्टर 10 o'clock आता है तो आफ्टर 10 o'clock ये बाजू वाला है ना नीचे एनर्जी वाला इससे बोलने का विशाल सर तो पैसा नहीं है 2 samosa पर उसमें अगर तुम लोग में से कोई नहीं खाने वाला है तो फ्रेंड को बोल दो वेस्ट मत होना कोई फ्रेंड का अगर नहीं है तो बोल देना सर एब्सेंटी होगा तो बोल देना एब्सेंटी का मैं मंगवा ही नहीं रहा जो फ्रेंड लोग अगर नहीं खा रहे तुम लोग तो टेल योर फ्रेंड्स यू हैव इट इंस्टेड ऑफ डोंट लेट यू गेट वेस्टेड एक जन नहीं खा रहा तो एक को ही बोलना तो दीपा बोलेगा वो बेचारा किसी और को नहीं मिलेगा चलो सम नंबर 7 हो गया ये वाला सबका 7 7 सम नंबर 7 7th sum Keshav and Devidas star mark karo another important sum 26 or 7 both are important these marks guys और पूरा चैप्टर 26 सम में किया है उसमें से भी इम्पोर्टेंट दे रहा है और कितना चाहिए जीवन में और क्या चाहिए केशव एंड देविदास आर पार्टनर्स एंड द ट्रायल बैलेंस इज गिवन विद द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स बिलो प्लीज पे अटेंशन प्रूफ पानुशाली परचेजेस टीडी सेल्स रिटर्न्स less from sales debtors real assets opening stock TD pay attention stop talking wages TD salaries Kashish P&L debit furniture assets add purchases abbe furniture kya hi purchase ho समझा अभी एडिशन किया ना एसेट के नीचे एडिशन दिया तो वो एसेट का ही है तो अभी जैसा मशीन में ऐड किया दैट इज दिस परचेज बॉस एसेट के नीचे परचेज दिया ना तो दैट इज फॉर एसेट ओनली एडिशन है वो तो फर्नीचर पे ही एडिशन है बट क्यों अलग अलग दिया है तू डेप्रिसिएशन पहले वाले पे 12 महीना लेकिन दूसरे वाले पे वाई
लास्ट डेट था, लास्ट डेट पे खरीदा तो जीरो डेट पे मिला डेट। सो फर्नीचर प्लस एडिशन उसी का है वो, समझा? ओके, मशीन्स समीक्षा, बैड डेट्स पीएलडी, एडवर्टाइजमेंट फॉर थ्री इयर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 70, दैट इज पीएनएल डेबिट। हिडन एडजस्टमेंट है, शो यू द नोट। WEF का फुल फॉर्म है विथ इफेक्ट फ्रॉम, मतलब ये तो लिखो विथ इफेक्ट फ्रॉम, मतलब वहां से स्टार्ट हुआ है। इन्वेस्टमेंट्स H3 एसेट्स, इंश्योरेंस PNL, ड्रॉइंग्स ऑफ केशव एंड देवीदास लायबिलिटी, ड्रॉइंग्स ऑफ केशव देवीदास CD, कैश एंड बैंक बैलेंस एसेट, कैपिटल्स ऑफ केशव एंड देवीदास कंसर्न CC, सेल्स सिद्धार्थ PC, परचेज रिटर्न्स वेदांत, माइनस फ्रॉम परचेज कमीशन PNL क्रेडिट, वेरी गुड, बिकॉज इट इज ऑन द क्रेडिट साइड। डिविडेंड और इन्वेस्टमेंट्स, डिविडेंड ओके, क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स आर लायबिलिटी, डिविडेंड और इन्वेस्टमेंट्स। व्हाट इज डिविडेंड? इनकम, पीएनएल क्रेडिट, कभी कमाएगा डिविडेंड? अंबानी का फोटो लगाया है बीपी में, 1000 करोड़ डिविडेंड आता है उसको, और ऐसा डिविडेंड एसेट, व्हाट मैन? डिविडेंड और इन्वेस्टमेंट इज व्हाट? इनकम, पीएनएल क्रेडिट। You invest ना in shares, bond, debentures, so what you get in return? Dividend, any interest. Dividend is your income. Dividend on investment is income. PNL credit, reserve for doubtful debts, push. Which RDD is this? Old. Old RDD. Formula में से minus. 2BD plus MBD plus NRDD minus ORDD. Devidas loan. Liability. Very good. Devidas loan pe hidden adjustment theta ka hai. Sagar's loan yaad aa raha hai, kal kiya tha. Who is Devidas over your partner? Us pe agar rate of interest nahi diya to we assume that it is going to be for going to be at the rate of 6%. 6% hai hidden adjustment, very good. Closing stock Veda. ट्रेडिंग क्रेडिट एंड एसेट्स, ट्रेडिंग क्रेडिट एंड एसेट्स, कशिश शाह, डेप्रिसिएशन का दो इफेक्ट्स, लेस फ्रॉम मशीन एंड फर्नीचर एंड पीएनएल डेबिट, लेस फ्रॉम मशीन एंड फर्नीचर पीएनएल डेबिट, रिवान डिडक्ट 200 फॉर बैड डेट्स एंड प्रोवाइड 2% आरडीडी, 200 माइनस फ्रॉम डेटर्स एंड पीएनएल डेबिट, परफेक्ट। विस्मय ध्यान से पढ़ो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग बैलेंस 5%, व्हाट आर द टू इफेक्ट्स? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीसी एंड पीएलडी, आयुषी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज 10%, वेरी गुड। पीएनएल क्रेडिट एंड कैपिटल डेबिट, हाउ मेनी मंथ्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डू यू कैलकुलेट? 6 months, कैपिटल पे 12 महीना, ड्रॉइंग्स पे 6 महीना, इज दैट राइट? सिद्धि, केशव इज टू गेट 1% कमीशन ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, yes, perfect। देखो इधर, did you get commission to partner all of you? Who is paying commission to partner to whom? Business is paying to the partner, just like salary, just like interest on capital, same thing। PNL debit, capital credit, calculate किस पे करना है commission? तो ये adjustment सबसे last में होगा। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद, लेट्स से योर ग्रॉस प्रॉफिट इज 162,000, उसका 1% 1620 टू कमीशन 1620, कैपिटल क्रेडिट 1620, देन यू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, इज इट क्लियर? तो प्रीवियस समय टोल्ड यू ना, कभी देगा ग्रॉस सेल, कभी बोलेगा नेट सेल, कभी बोलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, कुछ नहीं है, मोड ऑफ कैलकुलेशन है, बाकी एंट्री रिमेन्स है पीएनएल डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट। डिड यू गेट दैट? पीएनएल डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट थ्रू कैटलिया, टेल मी, ड्रॉइंग्स सॉरी देवीदास इज टू बी पेड 2000 पर एनम एज सैलरी, सैलरी टू पार्टनर,
सी डी सैलरी देने का है ना पार्टनर को, देने का थोड़ी है राइट टू टाइम्स ऑल द एडजस्टमेंट देन ऑल देन सैलरी टू पार्टनर इज इट 2000 पर मंथ और 2000 पीए पूरा पीए मतलब पर एनम 1200 मल्टीप्लाई मत कर देना समझा इट इज 2000 ओनली व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ सैलरी टू पार्टनर पीएनएल डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट इधर डेबिट है तो उधर क्रेडिट में ही जाएगा क्योंकि वो देना है पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पीएनएल क्रेडिट एंड कैपिटल डेबिट वो लेना है उस ओके तो पीएनएल डेबिट कैपिटल क्रेडिट नाउ देयर आर एक्चुअली टू हिडन एडजस्टमेंट्स एक फर्नीचर का है बट वो तो सिंपल है फर्नीचर का समझा फर्नीचर का एडिशन करना है लेकिन डेब्री उस पे क्यों नहीं करना है लास्ट डेट है उसका नोट नहीं बनाओगे तो चलेगा एडवर्टाइजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत देखो बोलो बोर्ड में देखो सब लोग जो लोग ने नहीं किया है 11th में तो देख लो लुक एट द बोर्ड एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 years WEF बोले तो वी इफेक्ट फ्रॉम 1st October 2017 द अमाउंट इज 3000 नाउ यू लुक एट द बोर्ड सी पहले तो 3000 इज फॉर हाउ मेनी इयर्स 3 years करना था 1 साल का कर दिया 3 साल का बराबर है अब कुछ ये WEF का लफड़ा नहीं होता तो हम तो क्या कर देते 3 साल का 3000 है तो 2 साल का 2000 प्रीपेड हो जाए बट अनफॉर्चुनेटली इधर WEF दिया है WEF का मतलब होता है निनाद कि यू हैव स्टार्टेड यूजिंग एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम 1/10/17 आपने वो एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्ट या जो एक्सपेंस है वो 1/10/17 से स्टार्ट किया है और आपका साल किधर खत्म हो रहा है पढ़ो उधर व्हाट इज योर ईयर एंड मार्च 31st March को खत्म हो रहा है तो करंट ईयर में कैन आई से यू हैव यूज्ड एडवर्टाइजमेंट फॉर 6 months कैसा अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 6 महीना यूज किया आपने एडवर्टाइजमेंट तो खर्चा भी कितना दिखना चाहिए 6 महीने का दिखना चाहिए तो आउट ऑफ 3 years करंट ईयर में 12 महीना यूज नहीं किया 6 महीना यूज किया तो 2.5 years का इट इज प्रीपेड इंस्टेड ऑफ 2 years 2.5 एक्चुअली 6 महीने का एडवर्टाइजमेंट पे करना था लेकिन पापा के पास तो हमने 3 साल का पे कर दिया 2.5 years का एक्स्ट्रा पे कर दिया आर यू गेटिंग दैट सो 3 years का इट इज 3000 तो 1 year का कितना होएगा अबे 1 year का 1000 होएगा तो हाफ ईयर का कितना होएगा 6 months का 500 इज दिस क्लियर 3 साल में 3000 तो आधे साल का कितना 500 रुपया अब इज 500 प्रीपेड या 2500 ये समझ में आया आपको प्रीपेड कैसा आया 2500 रिपीट तुमने एडवर्टाइजमेंट कितने टाइम का पे किया है 3 years बराबर है 3000 अब स्टार्ट कहां से किया है 1st October चलो 1st April से किया होता ना तो भी तकलीफ नहीं होती 1st April से किया होता ना तो 1 साल का हो जाता स्टार्टेड इट फ्रॉम 1st October सो द करंट ईयर यू हैव यूज्ड दिस एक्सपेंस फॉर हाउ मेनी मंथ्स 6 months सो ओनली 6 months बिलोंग टू दिस ईयर्स एक्सपेंस रेस्ट 2.5 years बिकम्स प्रीपेड इज दिस क्लियर तो बस आगे तो अमाउंट ढूंढना है वो तो आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 years का 3000 सो 1 year का 1000 सो 6 months का 500 इज नॉट प्रीपेड आई एम रिपीटिंग 500 इज नॉट प्रीपेड व्हाट इज प्रीपेड गाइस लास्ट बेंच इज 2500 इसी का व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट लिख दो सब लोग लेस फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट एंड एसेट्स लेस फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट एंड एसेट्स अब सुनो सपोज ये WEF 110 दिया है ठीक है इसके जगह मैं आपको बोलू WEF 17 9 मंथ्स इन द करंट ईयर कैसा जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च को खत्म हो रहा है जुलाई को चालू किया एडवर्टाइजमेंट तो 9 महीने का करंट ईयर 2 year 3 months विल बिकम प्रीपेड व्हाट इज द अमाउंट 3 year का 3000 1 year का 1000 है तो 9 months का 750 750 करंट ईयर का है 2250 इज प्रीपेड
In that case, 2250 is paid. What if his date is 1180? 3 months will fall in the current year and 2 year, 9 months will become free. Barabar hai? So only 250 in the current year and 2750 will become free. Is this clear? Hello? So look at this date and compare it with your age. Utna current year ka expense hai. Baki pura prepaid hai. Samajh mein aaya? Got it all of you? और अगर डेट दिया ही नहीं, जैसे लास्ट सम में डेट नहीं दिया था, ये दिया ही नहीं अभी डिफेक्ट फ्रॉम, तो डायरेक्टली 3 साल का 3,000, 2 साल का 2,000, पूरे साल का ले लेना, बराबर है? सो लिख लो उधर प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, बस वही है, डॉट दे दो अभी, मशीन 1 डॉट, फर्नीचर 1 डॉट, डेटर्स 2 डॉट, मशीन 1, फर्नीचर में 2 डाल दो, एडिशन और डेप्रीच. Machine 1, furniture 2, debtors 2. Machine 1, furniture 2, debtors 2. Furniture में addition भी है ना, वो भी डाल देना. One second. Machine 1, furniture 2, debtors 2 किया. Battery का जो क्या formula है. और यहाँ पे, advertisement पे, बस. देखो, I'll repeat. Machine 1, furniture 2, debtors 2. Yes. And advertisement pay. अब देखो एक बार hidden adjustment है देवीदास loan. उसका भी बनाओ calculate check compare. क्यों बना रहे हैं? Because he is a partner. देवीदास loan पे भी dot डाल देना. Put a dot on देवीदास loan also. ये आता है आपको कैसे करने का कैलकुलेट चेक कंपेयर. फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन करो 10,000 पे 6% फॉर हाउ मेनी मंथ्स 12 मंथ्स कुछ नहीं दिया है तो 600 आता है ना. चेक हैव यू पेड एनी इंटरेस्ट है नील. सो पूरा 600 का 600 क्या होगा outstanding interest. Srushti, tell me the true effects of outstanding interest. Add to loan and P&L debit and add to loan. P&L debit and add to loan 600 rupees. Put a dot on Devidas loan. Yes. Yes, sir. Add to business suspension. Hey, na. Cool. हाँ 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 फर्नीचर के नीचे दिया इसके लिए वो फर्नीचर. और बोलो देवीदास लोन पे क्यों किया 6%? पार्टनर है इसके लिए. देवीदास होता या केशव होता ना तो ही आता. अजय विजय श्याम संजय लोन होता तो इधर आईबीडी बना तो भागा. परसेंटेज उसके हिसाब से कर, अगर दिया है नहीं दिया तो 6%. और पार्टनर उसको बोलो सेना हुआ हाँ करेंगे ना. फर्नीचर पर एडिशन और फिर डेप्रिसिएशन नॉट नेसेसरी. एक ही है ना ओरिजिनल और एडिशन पे तो जीरो है. लास्ट डेट पर खरीदा इसके लिए उधर ही बता देंगे. ये कॉपी कर लो दो नोट्स. एनी अदर डाउट इन द सम फर्नीचर समझो आपको. फर्नीचर फर्नीचर देखो ओरिजिनल कितना है और एडिशन 7 है. पर एडिशन का डेट देते हैं उसमें डेबरी लेना है किस पे लेना है. ओरिजिनल फर्नीचर 675 है. करो चलो स्टार्ट करो. और आप गोइंग होम गेम में टॉप ऑफ दी एस्टेट नॉट टेलिंग और सेंड यू द वीडियो पूरा देखो एक एक रोज का. सेंड मी द अपडेट डेली होमवर्क करके भेजना होगा. डेढ़ घंटा करने का है. जिस दिन नहीं किया उस दिन मम्मी को मैसेज करेगा. वाट लगेगा नहीं तो वाट. पूरा एडमिशन ऑफ पार्टनर जाने वाला है. फाइनल अकाउंट तो आधा किया है. एडमिशन ऑफ पार्टनर को उसके लिए टेंशन नहीं होती है. मैंने कहा ना जो तू खाली पानी ना हो जाए यहाँ पे वीडियो तो बस बहुत ही
चलो ऑब्वियसली दिस इज द टेस्ट इज द लास्ट ऑफ इट उससे एक दिन आगे पीछे लास्ट वर्किंग डे पर लास्ट वर्किंग डे पर शुरू करो फटाफट क्लास वाइज नहीं था उसको लिखने का था टू टू टाइम्स एडजस्टमेंट गिव मी तो उसके पे बोला था मैंने अतरवा ना 200 रुपया था टुमारो 5 टाइम्स अतरवा 5 टाइम्स ऑल एडजस्टमेंट और कौन था इधर एजी यू हैव गॉट 2 टाइम्स राइट 2 टाइम्स अगेन टू फॉर प्रैक्टिस बुक में जा रही था हाँ यू रीड फर्स्ट एंड देन यू डू ओके रीड अंडरस्टैंड यू वांट आई सेंड यू 11th का लिंक आल्सो आज तो उसमें पूरा सब एडजस्टमेंट ही दिया वो भी देखना और कौन था ये बेस्ट में तेरे को मैंने दिया टू बैटल लिया तो नहीं लाया काले ना भी बोलू संडे बिताऊ ना मेरा भी टेस्ट है नेक्स्ट संडे भी कोई टेस्ट नेक्स्ट संडे भी कोई टेस्ट 21 to 31 इस वीक वाइज अभी क्या था जैसे मशीन पे प्लस एडिशन लेस डेब्री सेम है सेम है परचेज लिखो या एडिशन लिखो बोता